सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चल झूठा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन से अपने फोटो के साथ या फिर किसी भी दूसरे फोटो के साथ कुछ इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइज, चलिए देर न करते हुए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, आपको अपना काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से नंबर 2 वाले 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको इमेज असिस्ट पे आ जाना है एंड यहाँ से आपको किसी भी एक बैकग्राउंड कलर को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो एक लेयर आ रहा है, आपको इसी लेयर पे क्लिक कर देना है एंड इसका जो ड्यूरेशन है आपको यहाँ पे 15 सेकंड पे पूरा का पूरा कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कर देना है राइट एंड शुरू में आ जाना है। शुरू में आने के बाद यहाँ साइड में देख रहे हैं तो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन ये वाला, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एडिटिंग का ऑप्शन देख रहे हैं नंबर 3 पे, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नंबर 2 वाले को सिलेक्ट कर लेना है, फुल स्क्रीन वाले को एंड उसके बाद यहाँ पे ऊपर टाइम लाइन देख रहे हैं, इसको यहाँ पे आपको 5 नंबर पे कर देना है। यहाँ पे देख रहे हैं जो ये रेड लाइन है, ये जो है रेड लाइन 5 नंबर पर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ ऊपर से एक बार कट आ जाना है एंड बैक आने के बाद लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद आपको मीडिया पे चले जाना है एंड मीडिया पे जाने के बाद आपको चले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको 3 ग्रीन स्क्रीन इमेज मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ पे उसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ कैंची के साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से नंबर 2 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ ऊपर से एक बार बैक आना है, बैक आने के बाद साइड से ही नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से फर्स्ट वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। उसके बाद अभी यहाँ इमेज के लास्ट में आना है एंड यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद लेयर पे जाना है एंड मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको चले जाना है फिर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको अभी दूसरे इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है साइड वाले पे एंड यहाँ से नंबर 2 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ ऊपर से एक बार बैक आना है एंड भी और नीचे आ जाएंगे साइड से तो यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड फर्स्ट वाले ऑप्शन को यहाँ से इनेबल कर देना है। उसके बाद इमेज के लास्ट में आना है एंड यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद लेयर पे जाना है एंड मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाना है, आपको चले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से एक और इमेज को डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ पे उसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ कैंची के साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से नंबर 2 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ ऊपर से बैक आना है, बैक आने के बाद साइड से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रोमा की, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से फर्स्ट वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ से राइट कर देना है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर 3 इमेज जो है कुछ इस प्रकार से लग चुका है। अभी आपको शुरू में आ जाना है एंड शुरू में आने के बाद आपको लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद आपको मीडिया पे चले जाना है एंड मीडिया पे जाने के बाद आपको चले जाना है अपनी गैलरी में एंड वहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। ऐड करने के बाद यहाँ कोने में आप देख रहे हैं 3 डॉट, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ नंबर 5 पे आपको सेंड टू बैक का ऑप्शन आएगा, आपको इसे सेंड टू बैक कर देना है। उसके बाद इसको यहाँ से छोटा कर लेना है अपने हिसाब से और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, बिल्कुल सही तरीके से इसमें एडजस्ट कर देना है। उसके बाद अभी लास्ट में आना है इमेज के एंड यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद लेयर पे जाना है एंड मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अभी आपको फिर से जाना है अपनी गैलरी में एंड वहाँ से कोई भी दूसरी फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद फिर से कोने में 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको सेंड टू बैक कर देना है।
उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है वीडियो को एंड इसको भी अपने हिसाब से सही तरीके से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है, इमेज को बढ़ा लेना है, ठीक है, सही तरीके से कर लेना है एंड इमेज के लास्ट में आना है एंड यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद अभी आपको लेयर पे जाना है एंड मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको चले जाना है अपनी गैलरी में एंड गैलरी में जाने के बाद वहाँ से कोई भी तीसरी फोटो को यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद कोने में थ्री डॉट देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको सेंड टू बैक कर देना है। उसके बाद वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है एंड इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से कर देना है राइट एंड वीडियो के शुरू में आ जाना है। शुरू में आने के बाद लेयर पे जाना है एंड मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी आपको चले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक सॉन्ग लिरिक्स वीडियो, उसे डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ पे उसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेना है कुछ इस प्रकार से एंड इसके बाद साइड से नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नंबर 3 पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना है एंड वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है। उसके बाद इसको यहाँ पे नीचे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो के लास्ट में आना है एंड यहाँ ऊपर से बैक आना है। बैक आने के बाद साइड से सबसे ऊपर आना है एंड यहाँ पे देखेंगे तो कैंची का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है एंड बाकी पार्ट को यहाँ से ट्रिम टू राइट कर देना है। अभी यहाँ से कर देना है राइट एंड वीडियो के शुरू में आ जाना है। शुरू में आने के बाद लेयर पे जाना है एंड मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अभी आपको चले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक टेक्स्ट पीएनजी, उसे डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ पे उसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको यहाँ से अपने हिसाब से बढ़ा लेना है एंड इसको यहाँ पे ऊपर ला के यहाँ पे इसे इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद इसका जो ड्यूरेशन है आपको वीडियो तक कर देना है। वीडियो तक करने के बाद यहाँ से राइट कर देना है एंड वीडियो के शुरू में आ जाना है। शुरू में आने के बाद लेयर पे जाना है एंड मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाना है। आपको चले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक लाइटिंग वीडियो, उसे डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ पे उसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद साइड से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से नंबर 2 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ ऊपर से एक बार बैक आना है। बैक आने के बाद अभी और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहीं से नीचे आएंगे तो नंबर 4 पे आपको स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वीडियो के लास्ट में आ जाना है एंड लास्ट में आने के बाद यहाँ ऊपर से एक बार बैक आना है, साइड से सबसे ऊपर आना है एंड कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड बाकी पार्ट को यहाँ से ट्रिम टू राइट कर देना है एंड यहाँ से राइट कर देना है। अभी आपको वीडियो के शुरू में आ जाना है। अभी आपको क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट वाला इमेज था, इमेज आपको इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है एंड यहाँ से राइट कर देना है। अभी आप देखेंगे तो हमारा जो वीडियो है कुछ इस प्रकार से बन करके रेडी हो चुका है। तो गाइज अभी इस वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ कोने में देख रहे हैं स्पोर्ट का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद HD को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, इस लाइन को पूरा हाई रहने देना है, सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना है और यह वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।